डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला था कि सीबीएसई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड आपको एक एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा, आज मैं दोबारा लेकर आया हूं बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जो कि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, मेरा बहुत खूबसूरत थंबनेल आपको दिखा होगा कि इस बार अलग होंगे 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड। कोरोना काल में किया बदलाव, कोरोना काल के अंदर इसको बदलाव किया गया है। इस बार नए पैटर्न का एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के अंदर नई इन्फॉर्मेशंस होंगी, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस बार अलग तरीके का प्रोसेस होगा। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि इस बार एडमिट कार्ड कैसा होगा। तो गाइज, अगर 2021 नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन करो एकदम फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे आप इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कॉम्पिटिशन सीरीज कंडक्ट हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अनअकैडमी के एक्सपीरियंस फैकल्टी बिल्कुल नीट पैटर्न पे ही सेट कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाओ और अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करो। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा जाके वहाँ ऑल इंडिया रैंक अपना प्रिडिक्ट करे। आप वहाँ अपना रैंक चेक करो और उसके बाद देखो आपके प्रिपरेशन का डेप्थ कितना है। ध्यान रहे, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ फ्री में है और मेरा काम है आपको फ्री की चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे मैं यूट्यूब पर अपना लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर जाके और इसका फ़ायदा उठाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर वहां से रजिस्ट्रेशन करा के आपको वापस आना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे हमने एक लिंक दिया हुआ है। और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको कोड मांगेगा, आपको कोड यूज करना है CHANDRAHAS, चंद्रहास। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे और अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करके आप प्राइज भी जीत सकोगे। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको एप्पल का मैकबुक मिलेगा, रैंक 2 लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, और रैंक 3 लाने पे आपको एप्पल का ईयरपोड मिलेगा। नाराजगी नहीं होगी आपको, 4 से 100 रैंक तक लाने पर भी आपको 1000 रुपीज का अमेजोन का वाउचर भी मिलेगा। इसलिए आपको मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि आज ही सीबीएसई ने जारी किया। इस चीज को आपको बहुत जरूरी है कि पूरी जानकारी इसके बारे में हो, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का होने वाला है, इसके लिए सीबीएसई ने एक नई रणनीति बनाई, एक नई योजना बनाई है, जिसमें 2021 में जो आपका एडमिट कार्ड है वो डिजिटल एडमिट कार्ड भेजने की तैयारी सीबीएसई ने कर रखा है। जी हाँ, डिजिटल एडमिट कार्ड फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा आपके पास, डिजिटल एडमिट कार्ड। तो इसमें क्या है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ये काम सीबीएसई ने किया है, और जितने भी उससे सीबीएसई से संबंधित स्कूल हैं उसमें नए एडमिट कार्ड इस बार भेजे जाएंगे। बट सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इसके लिए सबसे पहले जैसे सीबीएसई स्कूलों को एडमिट कार्ड भेजता है, इसके अगले चरण में आपको क्या करना है और कैसे अपने एडमिट कार्ड को आपको पाना है, ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको स्कूल अथॉरिटी जो भी है, ठीक है ना, स्कूल अथॉरिटी के जो भी स्टूडेंट वो इन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, स्कूल एक्सेस करने के लिए देंगे आपको। और इसके लिए छात्रों को स्कूल की वेबसाइट पर जाना होगा, जो भी स्कूल का वेबसाइट होगा उस पर जाना है और बताए गए स्टेप्स फॉलो करके, सीधा लिखा हुआ है, बताए गए स्टेप्स फॉलो करके अपने स्कूल से ये डिजिटल एडमिट कार्ड उनको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे कैसे आप। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को एक यूजर आईडी बनाना है और अपने पासवर्ड जनरेट करना है, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद इन एडमिट कार्ड पर स्कूल प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और स्टूडेंट और उसके गार्जियन के भी सिग्नेचर अनिवार्य है, एकदम स्पेशली लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और वे एडमिट कार्ड को साइन करें, बिना उसके साइन किए एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा, मतलब पेरेंट्स का सिग्नेचर भी नहीं छूटना चाहिए, स्टूडेंट का भी नहीं छूटना चाहिए और स्कूल के प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर उस पर नहीं छूटना चाहिए। अगर सिग्नेचर छूटता है तो वो एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा, आपको एग्जाम देने में सेंटर पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको अभी से सचेत रहना है। मैं आपको एक एक न्यूज सीबीएसई का अपडेट करूंगा बोर्ड के रिगार्डिंग, आपको घबराना नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि सभी को डिजिटल साइन ही करने हैं, समझ गया ना, हाँ डिजिटल साइन करना है। अब आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उस एडमिट कार्ड में इस बार बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, बहुत सारी जानकारियां एडमिट कार्ड के अंदर ही होगा, जिसमें मुख्य जानकारी जो है आपको पता ही है कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, इसके रिगार्डिंग आपको दिया जाएगा। जरूरी दिशा निर्देश जो भी होता है कोविड-19 को लेके, वो एडमिट कार्ड में आपको लिखित होगा। मिला जुला के हम बात करें तो उसमें हर छोटी छोटी जानकारियां भी आपको दी जाएगी, कार्ड में सामान्य डिटेल्स होंगे, जरा समझिएगा। और इसके अलावा
जैसे परीक्षा सेंटर की सूचना कि आपका कौन सा सेंटर आपका होगा, इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या होगा, एग्जिट टाइम क्या होगा, रिसीविंग टाइम क्या होगा, ये हर तरह की सूचना जो है उसके ऊपर आपको मेंशन होगा। साथ ही साथ सीबीएसई ने ये बात साफ कर दिया है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम जो है वो लिखित मोड में ही होगा और वो भी ऑफलाइन होगा। मतलब साफ सुथरी बात है कि जो लोगों ने कयास लगाए थे कि इस बार बहुत तरह का चेंजेज आएगा, वो इस तरह का चेंजेज ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। एडमिट कार्ड में इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे इसमें हैंड सैनिटाइजर, मास्क का जिक्र होगा, कुल मिला के कोविड से संबंधित जितने भी छोटी छोटी जानकारी इसमें सब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरी जानकारी रहेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसको आपको बताना जरूरी था कि इस बार एडमिट कार्ड डिजिटल होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि सीबीएसई एडमिट कार्ड भेजने की तैयारी में है। मतलब अगला स्टेप सीबीएसई का जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ नज़र लोगों की होगी कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाए ताकि बोर्ड का एग्जाम डिक्लेयर करके एग्जाम को शुरू करा सके। तो सही टाइम पे एग्जाम को कराना है। हो सकता है कुछ डिले हो, 5-10-15 दिन अभी पता नहीं कुछ, लेकिन बोर्ड एग्जाम लिखित होगा और इस साल ऑब्जेक्टिव नहीं होके सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम होगा। साथ ही साथ आपका समय ड्यूरेशन जो है वो कब होगा नहीं होगा उसका भी डिटेल जानकारी बोर्ड बहुत जल्दी देने जा रहा है, जिसकी संपूर्ण तैयारी जो है वो बोर्ड ने कर रखी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, अपने स्कूल के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे अपना यूजर आईडी बनाना है, पासवर्ड जनरेट करना है और वहाँ से आपको अपना डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। लेकिन स्टार मार्क लगा लीजिएगा मेरी बात को कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा प्रिंसिपल का साइन उसमें है या नहीं है, पेरेंट्स का साइन है या नहीं है, आपका साइन है या नहीं है, और सारे साइन कैसे होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए। तो इसके साथ आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि कोविड से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी, आपके सेंटर से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी और आपके चेहरे पे खुशी भी आई होगी कि इसका मतलब बोर्ड एग्जाम इस साल कैंसिल नहीं हो रहा है और जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम का मेला एक बार फिर से लगने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ यही बने रहिएगा। हर एक सीबीएसई का अपडेट, हर एक नीट का अपडेट, हर एक जेईई मेंस का अपडेट आपको सबसे पहले मैं पहुंचाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे।